शिक्षक दिवस है और मेरे साथ हैं सुमित भंडारी जो अभी हमारे यहाँ आए हैं एलिमेंट्री टीचर प्राइमरी स्कूल की जो भर्ती चल रही थी उसमें टीचर बन के आए हैं। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत ही एक शिक्षक दिवस के दिन आज ये अपने टीचिंग करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। तो मैंने इनसे बातचीत की तो सुमित से ही पूछते हैं। तो बताइए भाई सुमित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका क्या मोटिवेशन था इस फील्ड में आने का, कैसे आपने शुरुआत की, क्या सोचा? सर, मोटिवेशन तो ये था मेरे लिए कि जब मैं खुद इस चीज़ को देखा है कि मैं कक्षा 3 में तो अपने प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ा हूँ, 3 के बाद 4थी और 5वीं मैंने शिशु मंदिर में पढ़ी है। बढ़िया। तो वहाँ पे मुझे लगा कि इस फील्ड में ज़्यादा कार्य किया जा सकता है जिसमें मैं अपना एक योगदान दे सकता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा वहाँ से समर्पित हुआ कि इस फील्ड में करना चाहिए। मैंने सर बड़े में भी किया है, जैसे बड़े लेवल पर भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ जो मजा इस लेवल पर है वो उस लेवल पर नहीं है। बहुत वहाँ पे तो हम लोग सिर्फ पढ़ाते हैं, यहाँ तो हमें शोध का भी मौका मिलता है, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं थोड़े बहुत जो हमें टीचिंग ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं। बहुत अच्छा। तो अभी मैं आपसे जैसे बात कर रहा था तो आपने बताया कि आपने इससे पहले भी कंपटीशन दिया, CGL में हुआ था? यस सर, प्री हुआ था। हाँ। तो मेरा मेंस नहीं हो पाया था, मैं इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाया था उसमें। अच्छा जी सर। और इसके अलावा आप बता रहे थे कोचिंग भी दी आपने? यस सर, मैं LT प्रवक्ता वालों को, जैसे प्रवक्ता है सर तो वहाँ स्क्रीनिंग होता है। हाँ। स्क्रीनिंग में मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ाता था और अच्छा। जैसे LT का है तो LT में इस समय चेंज होके आया है। हाँ। तो LT में एक रीजनिंग का पार्ट जुड़ा है 10 नंबर का। अच्छा। वो मैं ही पढ़ाता था वहाँ। बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सरप्राइज भी हूँ कि आपने बताया कि आपकी ग्रेजुएशन CBZ है। यस सर। वो मैथ्स नहीं था, तो कैसे आप लोग आपने मैथ्स में अपने आप को परफेक्ट बनाया? ये सर ऐसा हुआ कि जब मैं 2014 में 12th करके गया 15 में। हाँ। तो उस समय क्या हुआ कि सेंटर के फॉर्म आते थे तो सेंटर में मैथ्स कंपलसरी है, मैथ्स और रीजनिंग। अच्छा। तो फिर मेरी छोड़ी हुई थी। हाँ। लेकिन मुझे मेरा एक दोस्त है वो इस समय कस्टम में इंस्पेक्टर है, भूपेंद्र सिंह। अच्छा। तो उनसे इंस्पायर होके उन्होंने ही बहुत हेल्प करी शुरुआत में बेसिक चीजें सीखने में, तो बाद अच्छा। में मैं बहुत डेडिकेट हो गया, तो मैंने अच्छा। कम से कम मैथ्स की 7-8 किताबें पढ़ ली। अच्छा। वहाँ से मेरा मैथ्स पे बहुत अच्छा पकड़ हो गया और फिर मैं उसके आधार पे आगे बढ़ता चला गया। जब मैंने DLED का भी दिया तो उसमें भी मैथ्स और रीजनिंग थी 100 नंबर की, तो उसमें मेरे 97 नंबर आ गए थे सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग में। तो 12th तक मैथ्स था? 12th तक नहीं था सर, 10th तक। अच्छा। 10th में मैंने मैथ्स छोड़ी थी, लेकिन ऐसा है सर कोई भी काम तो इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ। वो मैंने इस बात को माना, 10th में डर से छोड़ दिया था कि 12th नहीं कर पाऊंगा इससे। अच्छा। लेकिन फिर बाद में एक इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिला तो मैंने करके दिखा दिया। नहीं नहीं रियली भाई, ये मैंने सर वहाँ भी पढ़ाया है, बल्लीवाला हमारा वो है इंजीनियरिंग का है। अच्छा। नॉन टेक का पोर्शन उसमें जुड़ता है। अच्छा। तो मैंने BTech MTech वालों को भी पढ़ाया है वहाँ पे। बहुत बढ़िया। यू विल बी एन एसेट फॉर अस, क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी भी है, मैथ्स आपने नहीं पढ़ा और फिर उसको टेकअप किया है और उसमें सक्सेसफुल भी हुए। और मैं मतलब क्या एम रहेगा आपका अभी, आगे कुछ और कंपटीशन दोगे? नहीं सर, क्या है कंपटीशन का तो आगे नहीं है मेरा, इसी फील्ड में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि जब मैंने 8 महीने इससे पहले टीचिंग ट्रेनिंग में बच्चों के साथ गुजारा तो वहाँ मुझे बहुत मजा आया और मैंने अच्छा। बहुत अच्छा वर्क भी करा। अच्छा। वहाँ पे मैंने बाल शोध मेला करवाया। बढ़िया। जिसमें मैंने वहाँ पे उप शिक्षा अधिकारी जी को भी आमंत्रण दिया था। अच्छा। जो वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड उच्च पदाधिकारी थे उनको भी बोला था मैंने। बढ़िया। तो वहाँ पे वो लोग आए थे, तो बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट वहाँ पे बनाया गया और उसका मुझे पुरस्कृत भी किया गया उसके लिए। बढ़िया। यस। तो मतलब करियर के अगर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो DLED फिलहाल आपको जूनियर हाई स्कूल तक प्रमोशन में लेके जाएगी। हाँ जी सर। तो यहीं संतुष्ट हो जाओगे या LT लेक्चरर का भी कुछ प्रयास करोगे? मैं फिलहाल अभी मैंने आगे सोचा नहीं है, यहाँ तक संतुष्ट है, क्योंकि मुझे इन बच्चों के साथ काम करने में जो मजा अच्छा। आता है वो मुझे बड़ों के साथ उतना नहीं हो पाया, वहाँ तो सीधा कंटेंट डिलीवर करो। अच्छा। तो एक्सेप्ट करते हैं बस, इससे ज्यादा कनेक्शन उनसे नहीं बन पाता हमारा। अच्छा अच्छा। लेकिन छोटे बच्चे के साथ एक बॉन्ड जो बनता है बस वो मेन होता है। तो अभी जहाँ आप गए जिस स्कूल में कितनी है छात्र संख्या? वहाँ 26 है सर, छात्र 26 है फिलहाल। यस सर। तो ये भी एक चैलेंज है कि छात्र संख्या बढ़े, बढ़े और मेरे ख्याल से आपके आने से ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। और ये। मैं आपको अपने देता हूँ कुछ ये मेरी तरफ से आपके लिए टास्क रहेगा कि हमारे एक तो 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, राजीव गांधी नवोदय, जवाहर नवोदय और एक जो है बड़ा स्पेशल है वो ना, वो तो बाद तो उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन एक है हिमज्योति, जो कि देहरादून सहधारा रोड। हाँ। मैं गया हूँ सर, गए उसमें। तो वो सिर्फ गर्ल्स के लिए और ऐसी गर्ल्स के लिए जिन्होंने हमारे प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई करके 5th या पास की होगी। तो आपके लिए टास्क है अभी आने वाले, ये समझ लो सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब ये है कि 6 महीने आपके पास है। इस 6 महीने में कक्षा 5 के कितने स्टूडेंट आपके पास?
वहाँ पे सर, वो मैं उनसे अभी नहीं पूछ पाया सर। चलो कोई नहीं, जब जाओगे आप खुद देखना और अपनी एक प्लान बनाना, क्योंकि आप बहुत अच्छी बैकग्राउंड से आए हो और हमें मतलब DL.ED बैच मिला है और पहली सक्सेस स्टोरी 2025 में हम आपसे सुनना चाहेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं विकासखंड मोरी में, और जो भी सपोर्ट हमारी होगी आपको देंगे, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।